जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर। आज के क्राइम बुलेटिन में हम आपको ऐसी खबर बताने वाले हैं जिस गिरोह ने नाक में दम कर रखा था। जी हाँ, एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जिसके 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये हथियारों के बल पर गाड़ियां लूटते थे, सबसे बड़ी बात गाड़ियां लूटते थे, और अगर कोई भी अनाकारी करता था गोली मार देते थे। तो ऐसे छाते गिरोह को आज पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलग अलग पुलिस ने आज कई गिरोह को पकड़ा है। कुल मिला के अगर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की हम बात करें तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें नाम है हरपाल सिंह हीरा उस जल्ला। जी हाँ, ये जल्ला है जीता कला के रहने वाले चापी गेट के, और यह किराएदार पर रहते थे। किराएदार निहन सिंह थे, उनके पास किराएदार पर रहते थे। अगला है दिलबाग सिंह और बागा, और ये ब्यास के रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल सिंह और गिरदार, ये फैसपुरा के हैं। फिर चरणजीत सिंह और राजू तरन तारण के रहने वाले, चरणजीत सिंह राजू भी तरन तारण के हैं, और चरणजीत सिंह अमन ये भी तरन तारण के। सबसे बड़ी बात, ये ऐसा गिरोह है जो गाड़ियां लूटता था, पॉश इलाके में गाड़ियां लूटता था। इन लोगों के पास, इनके पास से पिस्टल मिले 32 बोर देशी कट्टा, दो देशी कट्टा इनके पास बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात, 4 जिंदा कारतूस मिले, 32 बोर के दो जिंदा कारतूस मिले हैं देशी कट्टा के। सबसे बड़ी बात है इस मामले में एसीपी नॉर्थ चरणजीत सिंह बाजवा और एसआई कुलवंत सिंह, एसएच 64 प्रेम पाल और एसआई शाह सिंह ने एक नाका लगाया। नाकाबंदी के दौरान अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि इस गिरोह ने शहर के तमाम घरों को अपने हथियारों के बल पर उनकी गाड़ियां लूटी थी, और अभी तक गाड़ियों की बरामद की जा रही है, बाइक बरामद हुए। सबसे बड़ी बात, एक ऐसा छात्र गिरोह है जो गोलियां चलाने के बाद वाहन लूटा करता था। तो ऐसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने, और उनके साथ है एसएसपी नॉर्थ सरबजीत सिंह बाजवा, थाना सदर के एसएचओ प्रेम पाल, और अलग अलग टीमें थी। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है अमृतसर क्राइम से बुलेटिन से। सबसे बड़ी बात लगे अमृतसर आपको अपडेट करता रहेगा, और ये क्राइम बुलेटिन में आपको बता रहा है, अपडेट कर रहा है, और ऐसे चेहरों से सावधान हो जाए, हम आपको दिखाएंगे चेहरे भी, और हम बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर ने और अलग अलग अधिकारियों ने क्या क्या मीडिया के आगे बयान दिए। फिलहाल कोई हजे इस संबंध के नहीं आया भी इतने बंदे आ, पर असं फरदर इन्हों तो पुछेश कर रहे हैं, जे इतने कोई हो तो पता लग जाएगा। इन्होंने मनिया कि जड़िया असी जी 4 वारदातें की, जिन्हें 3 गड्डियां की हैगी, एक अटैम्प्ट है, तो 2 गड्डिया इन्होंने खोही सी, एक 307 का परचा दर्ज है। हुण इन्हां दा असीं मैडिकल करावांगे, इस दौरान पता लग जाएगा कि नशा करदे आ। हजे तक इन्हां तों जिहड़ा कल ही इन्हां नूं अरैसट कीता, जिहड़ी सिर्फ मुढ़ली पुछगिछ दौरान इन्हां ने मन्निया हैगा कि असीं जिहड़ा ऐश प्रस्ती लई जिहड़ियां गड्डियां वगैरह खोंदे सी। मानयोग सी पी साहब डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल साहब दीआं हदायतां ते ए डी सी पी सिटी 2 दे एरिए विच उन्हां दीआं दिशा निर्देश ते ACP सरबजीत सिंह नॉर्थ वालों एक जी स्पैशल ऑपरेशन जोड़े चलाए जा रहे थे, जिंकी अगवाई SHO सदर तो चौंकी इंचार्ज माई भागो ASC कुलवंत सिंह जोड़े कर रहे थे। इस दौरान ही कल दुपहरे पुलिस को उस टाइम वीड्डी सफलता मिली, जदों जोड़े है लोहारका रोड तो 4 दोषियों जोड़ा काबू किया, जिन्हों को 3 वैपन बरामद किए, 1 पिस्टल तो 2 देसी कट्टे, इन्हों को जोड़े टोटल असी 8 राउंड बरामद किए। मुढ़ली पुछगिछ दौरान इन्होंने मनिया कि इन्होंने जिहड़ियां 3 जिहड़े हैं वड्डियां वारदातां कीतियां, जिहदे विच एक बाईपास तो कार खोहण लगे एक व्यक्ति दी जिहड़ी I-20 खोहण लगे सी ते गोली लगी सी, जिस संबंधी थाने सदर दे विच मुकदमा दर्ज है, और एक इन्होंने एक टवेरा खोही सी, एक I-20 खोही सी, जिहदे विच टवेरा जिहड़ी हैगी आ बरामद कर ली, एक इन्हां तों पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया, एक इन्हां कोलों दा बरामद किया गया। मुढ़ली पुछगिछ दौरान इन्हों ने मनिया हैगा कि इस दौरान ही असी एक व्यक्ति से नवदीप सिंह वो भी इन्होंने गोली मारी से, उस संबंध में भी 307 का इन्हों के खिलाफ जोड़ा मुकदमा दर्ज है। इन्होंने हूँ तक जड़िया है 2 कारा खोलियां सी, तो एक अटैम्प्ट की व्यक्ति दे गोली लगनी लगी सी, पर वो एक कार खोहण दे विच इन्हों सफलता हासिल नहीं हुई। अगे जी इन्हों को पुछगिछ जारी आ, होर भी इन्हों जे नाल एक संदीप गट्टू, एक संदीप भड़कीला, ये व्यक्ति हैगे आ जिहड़े इन्हां दे नाल सह दोषी आ, इन्हां नूं गिरफ़्तार करना बाकी आ। इन्हां चारां नूं जिहड़ा हैगा अज उत्थे पेश करके अदालत दे विच अग्गे पुलिस रिमांड लैके फरदर जिहड़ी असीं पुछगिछ करांगे। जैसा लाइव अमृतसर ने आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और उन आरोपियों के चेहरे बताए, सबसे बड़ी बात हथियार बताया, सबसे बड़ी बात ये देशी हथियार आते कहां से,
सबसे बड़ी बात मेरठ से हथियारों की सप्लाई होती रही है। पुलिस इस मामले में मान रही है। सबसे बड़ी बात कि हमने आज जो खुलासा किया है, जी हाँ, हमने 16 जिले में आज खुलासा किया था। कुछ आरोपी उन्हीं के मोहल्ले के हैं। थाना इस्लामाबाद के पास एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसे क्राइम पेशा लोग पनाह लेते थे। ये जानकारी भी पुलिस को है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हम आप हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे, लाइव दिखाते रहेंगे और क्राइम के मामलों में अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव अमृतसर। जय हिंद, जय भारत।